ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के थाना भवन के पास अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर बुंटा गांव में 18 फरवरी 2018 को एक शाम मशहूर शायर हसनैन दिलकश डासना के नाम उनवान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनकात किया गया। मुआविन कन्वीनर रहे सोनू राणा और कन्वीनर रहे वेरी स्मार्ट शायर अबरारुल हक जमाल। मैं एक और बच्चा आपकी खूबसूरत सवालों के हवाले करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक देवबंद से है। जनाब हिंदुस्तान का एक बहुत ही मोतबर नाम है, जनाब नईम अख्तर देवबंदी, उन्हीं के वो शागिर्द भी हैं और उन्हीं के साथ ज़ादे भी हैं। जनाब नूर देवबंदी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। आप हजरात इस्तकबाल करें और मैं ये अर्ज कर दूँ आपसे कि जो भी शायर अपने कलाम से नवाज आप उसे अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजे, दादे तहसीन से नवाजे, तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। हजरते ग्रामी, मैं सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम डाइस पर बैठे शोराए कराम और मेहमान कराम और सामाईन हजरात से दुआओं की दरखास्त है। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए मैं आपके सामने चार शेर से अपनी शायरी का आगाज करता हूँ। सुनिए दोस्तों, खुशियाँ तमाम सारा जमाना मेरे घर में, खुशियाँ तमाम सारा जमाना मेरे घर में, जमाना मेरे घर में, माँ
और आपके सामने गजल का मतलब पेश करता हूँ, सुनिए दोस्तों। ये जिस्म मौत के, ये जिस्म मौत के सांचे में ढलने वाला है, ये जिस्म मौत के, ये जिस्म मौत के सांचे में ढलने वाला है, ये जिस्म मौत के सांचे में ढलने वाला है। चले भी आओ, चले भी आओ, मेरा दम निकल गया है। चले भी आओ, मेरा और मतलब सुनिए कि अब जुदाई का, कि अब जुदाई का मौसम बदलने वाला है, कि अब जुदाई का, कि अब जुदाई का मौसम बदलने वाला है, कि अब जुदाई का मौसम जी। सुनिएगा दोस्तों, नाजी माला बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कारी हसनैन साहब को, जिनके लिए इतनी खूबसूरत शाम सजाई गई है। क्या कहते हैं, वाह वाह। और शेर सुनिए, वो बस में नाज में, वो बस में नाज में आए हैं बाल बिखराए, वो बस में नाज में, वो बस में नाज में आए हैं बाल बिखराए, वो बस में नाज में आए हैं बाल बिखराए। क्या दिल संभलने वाला है, ये जिस्म मौत के सांचे में ढलने वाला है, ये जिस्म मौत के। और ये खास तौर पर शेर समाप्त कीजिए, पहाड़ बन के खड़ा, पहाड़ बन के खड़ा है जो दरमियां जाना, पहाड़ बन के खड़ा है जो दरमियां जाना, पहाड़ बन के खड़ा, पहाड़ बन के खड़ा है जो दरमियां जाना, पहाड़ बन के खड़ा है जो दरमियां जाना। वो वक्त मोम की, वो वक्त मोम की सूरत पिघलने वाला है, वो वक्त मोम की सूरत पिघलने वाला है, ये जिस्म मौत के सांचे में ढलने वाला है, ये जिस्म मौत के। और ये आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूँ, जब ऐसा हुस्न का
और मरना तक को चाहता हूं जरा गे इश्क का जरा गे इश्क सनम जरा गे इश्क की लो बड़ा जा तू आकर जरा गे इश्क की حضراتِ گرامی یہ تھے نور دیوبندی جو اس کم سنی میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا تھا کہ عجب تہذیب کے در پر کھڑے ہیں عجب تہذیب کے در پر کھڑے ہیں یہاں بچے بزرگوں سے بڑے ہیں یا اپنی غزل کا یہ شعر پڑھوں بچے کے لیے کہ حقارت سے نہ دیکھو دوست کو نوک اس پودے کو حقارت سے نہ دیکھو دوست کو نوک اس پودے کو یہی دے گا ثمر ایک دن شجر آہستہ آہستہ آئیے دوستو یہ تھا جشن حسنین دلکش آل انڈیا مشاعرہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ بھی وقت میڈیا کی ٹیم سے مشاعرے کبھی سمیلن پولیٹیکل پروگرام جلد سے نعتیہ مشاعرے کور کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمیں کانٹیکٹ کریں ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286 اور آج ہی ہمارا یوٹیوب پہ وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے پتا ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا یا یوٹیوب پہ وقت میڈیا لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت